बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के मोरी नेटवाड़ में निजी स्कूल की वैन में लगी आग के बाद दून परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग 100-100 बच्चों के बैच में दी जाएगी। वही आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि स्कूल बस और वैन में सुरक्षा के सभी उपकरण होने चाहिए। हालांकि परिवहन विभाग उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान चलाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपने बताया जैसा कि उत्तरकाशी के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद बच्चे तो उतर आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैन पूरी तरह से जल गई। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक जो स्कूल के वाहन हैं, जैसे स्कूल वैन है, स्कूल के बस हैं, जिनसे बच्चों को ढोया जाता है, उनकी हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग गाड़ियों को चेक करेंगे, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो ड्राइवर हैं या गाड़ी के मालिक हैं या स्कूल वाले हैं, इनको हम ट्रेनिंग भी देंगे कि इमरजेंसी की स्थिति में या अगर किसी गाड़ी में आग लग जाती है तो हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर की जो मशीन है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका प्रोटोकॉल क्या है, लोगों को गाड़ियों से इवैक्यूएट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जून महीने से हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इसमें एक्सपर्ट संस्था है, जो हमारा अग्निशमन विभाग उत्तराखंड का है, उसको भी इसमें हम लोग शामिल करने जा रहे हैं, ताकि उनके एक्सपर्टाइज का भी हमें फायदा मिल सके।